क्वेश्चन ये है, पार्ट ए में एक लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। लिफ्ट के अंदर में एक मैन है जो एक कॉइन को अपवर्ड डायरेक्शन में टॉस करता है और कॉइन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल है और ये विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो कॉइन है वो कितने टाइम के बाद मैन के हाथ में दोबारा आ जाएगा। पार्ट बी में एक स्मूथ रॉड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, रॉड का एक्सेलरेशन ए नोट के इक्वल है। तो हमें इस बीड का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द रॉड फाइंड आउट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए पर। तो पार्ट ए को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं या हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि जिस स्टैंड पर मैन कॉइन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है उस स्टैंड पर लिफ्ट की वेलोसिटी यू के इक्वल है। तो लिफ्ट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में यू के इक्वल है, तो यहां पर हम लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है, अपवर्ड भी पॉसिबल है और डाउनवर्ड भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पर कॉइन को थ्रो किया गया और उस स्टैंड पर लिफ्ट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में यू है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एस वन के इक्वल है, तो अप्लाई करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा एस वन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू है टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में टू है इनटू टी स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाई दैट एस वन इज इक्वल टू यू टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर टी सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो कॉइन है उसका भी डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड फाइंड आउट करते हैं। यहां पर ये जो S1 है ये विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, ठीक है। अगेन ये कॉइन है, कॉइन का मास मान लेते हैं m के इक्वल है, ठीक है। तो t इक्वल टू जीरो पर कॉइन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है और ये विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी यू प्लस 20, ठीक है। और ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में इस कॉइन पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज इट्स वेट mg। तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में इस कॉइन पर सिर्फ mg एड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा है तो उसको इस कॉइन का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल नजर आएगा, ठीक है। अगेन मान लेते हैं कि t टाइम के बाद कॉइन का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में s2 के इक्वल है, अगेन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, हो जाएगा एस टू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड दैट इज यू प्लस 20 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी दैट इज माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर एस वन एस टू दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद जो कॉइन है वो मैन के हाथ में दोबारा आ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एस वन और एस टू दोनों इक्वल हो जाए, मतलब लिफ्ट और कॉइन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल होगा उसी स्टैंड पर जो कॉइन है वो दोबारा मैन के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ एस वन इक्वल टू एस टू आफ्टर टी सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, दिस इज इक्वेशन टू मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। सो वी हैव यू टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यू टी प्लस 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यू टी कैंसिल हो गया एंड दिस इंप्लाई दैट 6 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टी एंड दिस इंप्लाई दैट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 10/3 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 0 पे तो हमें मालूम है कि जो कॉइन था वो ऑलरेडी मैन के हैंड में था, तो टी इक्वल टू 10/3 सेकेंड के बाद भी जो कॉइन है वो मैन के हैंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 10/3 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व करते हैं। तो लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से हमें ये दिखेगा कि जो कॉइन है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, मतलब लिफ्ट के अंदर में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वो ये देखेगा कि जो कॉइन है वो शुरू में मैन के हाथ में था और टी टाइम के बाद वो अगेन मैन के हाथ में आ गया। मतलब लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से कॉइन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में कॉइन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब वो हवा में है। ठीक है, तो ये कॉइन हो गया, तो सबसे पहले इसका वेट डाउन डायरेक्शन में एम जी एक्ट करेगा, लेकिन लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में इस पर स्यूडो फोर्स भी एक्ट करेगा, तो स्यूडो फोर्स डाउन डायरेक्शन में एम एक्ट करेगा वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एंड ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस कॉइन पर जो नेट फोर्स है वो 12 m के इक्वल है इन डाउन डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ए डैश ऑफ द कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट विल बी 12 m/s² इन डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम यूज करने जा रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एस यू और ए ये तीनों रिलेटिव है। एस यू ए तीनों को हम लिफ्ट के फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, तीनों लिफ्ट के रिलेटिव में है। ठीक है, तो टी टाइम के बाद मान लेते हैं जो कॉइन है वो मैन के हाथ में आता है, तो लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो 0 हो गया इक्वल टू लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 m/s, तो हो गया 20 × t + ½। लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में कॉइन का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा -12 m/s, -12 × t². ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट 10 t इज इक्वल टू 6 t² एंड अगेन दिस इंप्लाई दैट ये जाएगा 20 t इक्वल टू 6 t² एंड अगेन दिस इंप्लाई दैट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 10/3 सेकेंड। तो आंसर हो गया टी इक्वल टू 10/3 सेकेंड। ठीक है, तो हम दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम
लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो इसको काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें सूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में एक फ्रिक्शनलेस रॉड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, रॉड जो है वो वर्टिकल प्लेन में नहीं है। इसको देख लेते हैं कि जैसे ये रॉड है और ये बीड है, ठीक है। तो इस समय ये जो रॉड है वो वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब रॉड जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। रोड इस तरह से मूव नहीं कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये रहा, ये सिचुएशन है रोड का। तो रोड इस तरह से मूव कर रहा है और इसका एक्सलेशन इस तरफ ए नोट है, और एक्सलेशन और रोड के बीच जो एंगल है वो अल्फा नोट के इक्वल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रोड के रेफरेंस फ्रेम में इस बीट पर जो फोर्स लग रहा हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका वेट डाउन डायरेक्शन एक्ट कर रहा है जो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इस पर स्यूडो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, मतलब स्यूडो फोर्स जो है वो इस पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, इस तरह से स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। कितना एक्ट करेगा, एम ए नोट, तो हो गया। मतलब इस बीट पर इस डायरेक्शन में एम ए नोट स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, ये एंगल अल्फा है। तो रॉड के रिलेटिव में इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा एम ए नोट कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर स्यूडो फोर्स एम ए नोट का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रोड और दूसरा कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू द रोड। तो जो कंपोनेंट नॉर्मल टू द रोड है उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और जो कंपोनेंट रोड के पैरेलल है उसकी वजह से ये बीट एक्सलेट करेगा। सो वी हैव एक्सलेशन ऑफ द बीट अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग द रोड हो जाएगा एम ए नॉट कॉस अल्फा, दिस इज द फोर्स डिवाइड बाई मास, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस अल्फा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इस पर जो नॉर्मल होगा उसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जो वेट को बैलेंस करेगा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा जो एम ए नोड का नॉर्मल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।